Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Welcome to my channel. ये लखनऊ का कार का एक्सेसरीज का बाजार है। तो यहाँ से हमने डी आर एल लाइट लगी है ली है और इसको फिटिंग करेंगे मारुति 800 में। दीदी लाइट फिट करेंगे, ये डी आर एल लाइट है, इस क्रोम में आप फिट करेंगे हम। और इसका कनेक्शन हम देंगे पार्किंग लाइट से। और ये स्टिकर भी ना पेट्रोल पे लगाएंगे टैंक के ऊपर। कैसे फिटिंग इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले आपको यहाँ का स्क्रू खोलना है। निकल के चलिए चलते हैं अंदर। कैसे लगेगी लाइट? देखिए कनेक्शन मैंने ऐसे करूँगा, इसका पता ही नहीं चलेगा कनेक्शन हुआ कैसे है। लोग तो वीडियो बनाते खाली म्यूजिक डालते हैं, मैं आपको हर चीज़ क्लियर दिखाऊंगा, सब चीज़ कैसे लगती है कैसे चलेगी, मेरा वीडियो अलग रहेगा। ये देखिए एक इसका लुक देखिएगा अभी जब लगेगा तो। डबल टेप मिल जाती है इसके अंदर इसको लगाने के लिए। एक ही तरफ से सिंगल ही खोलनी है आपको, डबल नहीं खोलनी है। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है, क्योंकि लोगों का वीडियो आ रहा है म्यूजिक में, जितने भी चैनल देख रहा हूँ कार में, भाई क्या दिखा रहे हो कुछ नहीं समझ में आ रहा, खाली बस म्यूजिक चल रहा है और काम हो रहा है, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा काम हो किस चीज़ के लिए रहा है इसमें। पर मेरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि काम किस लिए हो रहा है, किस लिए गाड़ी में खुला है, क्या लगेगा। अब ये देखिए चिपक गया बिल्कुल। अब ये कनेक्शन करके दिखाते हैं। तार हम लिए हैं पहले फाइव की, तो अच्छे से इसको चिपका लें बिल्कुल। तार का कनेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, अभी देखिएगा मैं कैसे करूँगा, कनेक्शन कहीं भी नहीं दिखेगा कोई सा भी। टेपिंग कर दीजिए। पैर को कुछ बूंदे डाल दें चिपक जाए। ये चिपक गया। देखिए मेरी वायरिंग कहीं से नहीं दिख रही।
अच्छे से किया है कि वायरिंग कहीं नहीं दिख रही मेरी। अब चलिए कार वापस फिटिंग करने जा रहे हैं। क्रोम लग चुका है, अब इसके लिए हमें फिल्टर खोलना पड़ेगा इसका कनेक्शन के लिए। ये 12 नंबर का नट है। पेश कर ला। देखिए फिल्टर निकल चुका है, अब कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये मेन तार है अर्थिंग वाला, ये पार्किंग लाइट का है, ये पार्किंग लाइट का है। यहाँ से निकाल लेंगे तार को, क्लिपों के से निकालेंगे जिससे इंजन टच ना हो और जले ना। कनेक्शन करके दिखाते हैं इसमें। ये लाल है तो लाल वाला लाल में चलेगा, ठीक। और ये काला है, काला वाला काले पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम पैक करेंगे, क्लिप को लगा देंगे वापस। जा भाई जला जरा पार्क। देख क्रोम में डीआरए लाइट फिट हो चुकी है और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। और बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। अभी हम अंधेरे में दिखाएंगे कैसे लग रही लाइट। ये पेट्रोल स्टिकर है, इसको लगाएंगे यहाँ पे। को यहाँ से ऐसे एक बार काट लेना, देखिए ये चिपक जाएगा कुछ ना। कैसा लगा? ये ऐसे लग जाता बहुत जल्दी से। लग लग चुका इसका पेट्रोल टंकी का, अब इसको बंद कर देते हैं। देखिए लग गया स्टिकर। अब देखिए अंधेरा हो चुका है, अब लाइट जला के दिखाते हैं गाड़ी में जो हमने फिट की थी। ये देखिए सेंट्रल लॉकिंग लगाई है, पहले गाड़ी खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये देखिए कैसी लग रही गाड़ी। डीआरएल लाइट कैसी लग रही है इस वीडियो में बताइएगा। अंदर का दिखाना है पहले, देखिए। और ये पार्किंग लाइट से जोड़ा गया था कनेक्शन। अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, ये देखिए फ्लैश बंद कर देते हैं इसका। कहाँ गया फ्लैश? देखिए बाहर तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें भी हमने एलईडी लाइट लगाई है और इसके नीचे भी एलईडी लाइट लगाई। पहले बटन ऑन करते हैं, ये देखिए जलने लगी, ये देखिए बंद कर दिया हमने। कलर चेंज होता रहता है इसका। ये ब्लू।
ये देखिए पीछे से कैसी लग रही गाड़ी देखिए। इसमें भी हमने स्टिकर लगा दिए क्रोम वाले, अपने चैनल का नाम लगा दिया ये जनरेटर वाला। यहाँ पे भी लाइट लगा दी एलईडी।